आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग स्थानीय पंचायत भवन करनाल में हुई, जिसमें कई सिख जत्थेबंदियों व बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लिया। इस मीटिंग की अध्यक्षता युवा प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह अरोड़ा ने की। इस मौके पर लबाना सिख व वंजारा सिख बिरादरी के ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष SP सिंह व राष्ट्रीय सिंह संगत के राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट गुरु बचन सिंह मोखा ने करनाल पहुंचने पर फूल मालाओं व बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सिख जत्थेबंदियों को संबोधित करते हुए अमरेंद्र सिंह अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा श्री गुरुद्वारा नानक देव जी के 550 साल गुरु पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बहुत बड़े स्तर पर सिरसा पुलिस लाइन में 4 अगस्त को मनाया जा रहा है, जहां हजारों की तादाद में सिख संगत पहुंच रही है। हम सब लोग करनाल से भी हजारों की तादाद में सिरसा पहुंचेंगे व गुरु घर की खुशियां प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर सिख जत्थेबंदियों द्वारा एक मत होकर सिरसा जाने का प्रोग्राम बनाया गया। इस मौके पर करनाल से आई हुई सिख संगत के मुख्यमंत्री जी से अपील की कि उनकी काफी पुरानी लंबित मांग है कि उन्हें सेक्टर 4 सेक्टर 5 विकास कॉलोनी में गुरुघर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि हमें सेक्टर 4 सेक्टर 5 में गुरुद्वारा बनाने के लिए जगह दे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने सभी बिरादरियों के अपने अपनी धर्मशाला व मंदिर बनाने के लिए जगह दे रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रधान SP सिंह व राष्ट्रीय सिख संगत के वर्किंग प्रधान गुरु बचन सिंह मोखा ने युवा प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह अरोड़ा की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अरोड़ा सिख समाज के लिए हर समय उनकी मुश्किलों व तकलीफों को हल करने में लगे रहते हैं। वह सिख समाज व सरकार के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। नानक नाम लेवा संगत करनाल विच हरियाणा इकट्ठे हुए ने, जिद विच पहले पातशाह गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब जिहड़ा हरियाणा सरकार सिरसा मना रही जी मना रही, उस संदर्भ अज इत्थे मीटिंग हो रही है। सारी संगत नूं यह सदा दिता जाएगा कि उस वध वध संख्या च सिरसा पहुंचे। और दूसरा, सिख संगत के मैं SP सिंह लबाना पूरे इंडिया च नानक नाम लेवा संगत नूं इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़न की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हों जो मेन सुविधा है ने शिक्षा समाज सुधार और राजनीति जी इन्होंने भागीदारी मिली है। उस सिलसिले से अपने पूरे इंडिया च 25 भारत से मैं यात्रा कर रहा और वध तो वध संगत में जोड़ रहा कि आने वाले समय समाज का उत्थान हो सके। और इन्हों की जी इन्नी भारी गिनती है, जोड़ा कि लोग कह रहे हैं कि 2% ने या 2.5% ने, लेकिन देश के 10 to 15 crore सिख संगत है। असी काफ़ी लोगों को जोड़ चुके हाँ, जिदे च बंजारा लबाना शिगलीगढ़ जेडे कि साड़ी सिंह सिख जी संगत है सुखा विछड़ गए ने, दूर दराज रेंदे ने, पहाड़ा जंगलों च रेंदे ने, गरीब ने, शिक्षा तो बड़ा विछड़े हुए ने, उन्होंने जोड़ के असी इकट्ठा करने का यतन कर रहे हैं। अज तक तुम कितनी जगह पर गए हो जिसे लोगों को जोड़े गए? मैं घट तो घट 25 राज्यों के घूम चुके हाँ। लगभग मेरे को 1 lakh नंबर इकट्ठा हो गया है, एक वड्डी कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। किन्ने समय तो सर कर रहे प्रयास? मैं 5 साल तो लगातार डेली चल रहा, महीने के 25,000 kilometers अपनी यात्रा हो जाती है। इनका मेन उद्देश्य की है? मेन उद्देश्य है कि इन्हों उत्थान करना, इन्हों उपर चकना, क्योंकि हरियाणा पंजाब साड़ी सिख संगत जी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी सरमाएदार भी ने, लेकिन दूजे स्टेटा के जी सा संगत है शिगलीगढ़ खासकर बंजारा लबाणा बाजीगर बहुत पिछड़े हुए ने, उन्होंने उत्ते चकना है। उन्होंने शिक्षा के जोड़े केंद्र खुल रहे हैं पूरे देश, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने एजुकेशन चल रही है, रोजगार भी उन्होंने जोड़ा काम दिता जा रहा है, उन्होंने वास्ते जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी बना के दिए जा रहे हैं, जिससे सरकार को अभी सबसिडी लैके भी देने। मेन कार्यक्रम जो है 550 साल गुरु नानक देव जी का जो हरियाणा सरकार मना रही है, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इसको बहुत तेजी से ये कामयाब प्रोग्राम हो। और मैं इसमें CM साहब को बधाई का पात्र मानता हूँ, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पे वो प्रोग्राम मना रहे हैं। तो इसमें SP सिंह जी हमारे बड़े भाई जो हैं लबाणा सिख बरादरी के, ये चेयरमैन हैं ऑल इंडिया के, सरदार गुरबचन सिंह जी मोखा राष्ट्रीय सिख संगत के प्रेसिडेंट हैं, इनका भी मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। तो हमारा मेन जो प्रोग्राम है वो 550 साल जो है वो मनाने के लिए सिख संगत को अपील करना है। वाहेगुरु जी का खालसा। आज नगर कीर्तन करनाल पहुंचता है, उसके उपलक्ष्य में ही ये सभी बुरादियां जो सिख समाज है इकट्ठा हुआ है योजना बनाने के लिए। और गुरु नानक देव जी का जो उद्देश्य था वो सर्वसांझी भावता का था, सामाजिक समरसता का था,
और दूसरा वो राष्ट्रीय एकता की बात उन्होंने की थी। इस बात को हम देश भर में लेके जाएं, देश भर में सभी समाज में उनकी बात पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य हैगा। और केंद्र पे भी जो केंद्र सरकार है उसकी भी योजना है कि 550 साल प्रकाश पर्व के जो प्रोग्राम हैं वो देश भर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों और लोगों को जागृति मिले, सामाजिक एकता बने और सामाजिक समरसता बने, राष्ट्रीय एकता बने, उसके लिए ये उन्होंने जो कदम उठाया है सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने, बहुत अच्छा है, उनको मैं बधाई देता हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।